किसी ने प्रश्न किया, क्या सेवा कुंज में जो लोग रात रुकते हैं निधिवन में, ये क्या लीला है, क्या उनको ठाकुर जी दिखे? कह दो राधे राधे। बात वही फिर कह दू, जिन खोजा तिन पाया। तो उन्होंने एक दृष्टांत बताया, एक कथा सुनाई कि हरि बाबा हुए हैं, हरि बाबा उनके जो गुरुदेव थे, लास्ट उनके बारे में सुना गया था कि पढ़ा गया गीता प्रेस गोरखपुर में, उन्होंने अपना वो डायरी में लिख के छोड़ा था कि बोले एक दिन उनके मन में आई कि मैं सेवा कुंज रात गुजारूं। कह दो राधे राधे। बोले मन में आई तो एक रात उन्होंने सेवा कुंज की लता पता में गुजारी। तो बोले पहले दिन मुझे कुछ नहीं दिखा, कुछ अनुभव नहीं हुआ, पहले तो सारी रात डर, क्योंकि जान हथेली पे रख के चलना है, ये इश्क की मंजिल है, कदम सोच के रखिए, उड़ते हैं जब होश तो ठिकाने नहीं आते। अभी तो हमारा प्यार केवल बातों का है, आज मैं यही चर्चा कर रही थी, बात बात में हम लाडली को प्यार करते लेकिन किया कुछ भी नहीं आज तक। जहां पता चले श्री जी की बात इसको अच्छी लगती है, वहीं शुरू हो जाएंगे इतनी बड़ी बड़ी बात। लेकिन श्री जी पूछे किया क्या है तूने, मुझे पाने के लिए किया क्या? आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। बोले पहली रात रुके तो कुछ नहीं दिखा, दूसरे दिन फिर जिद करके छुप गए लताओं पताओं में, दूसरी रात फिर बोले मुझे फिर कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जिद छोड़ी नहीं। कह दो राधे राधे। तीसरी रात फिर सेवा कुंज में बिता दी। कहते जैसे ही तीसरी रात मैं बैठा तो मैंने क्या देखा, जो वो लिख कर गए हैं वो बात कर रहे हैं। प्यासा ही रहने चले को ऐसे किशोरी तूने खोज रहा, प्यासा ही रहने जैसे ढूंढे चल को ऐसे किशोरी तूने खोज रहा। तो खोजा तो पाया भी। बोली तीसरी रात मैंने क्या देखा कि जैसे ही धड़कन एकदम मानो ठहर सी गई, कुछ देर में क्या देखा कि मैं इस लोक में हूं ही नहीं, और हर तरफ से जैसे करोड़ों कमल एकदम पुष्प खिल गए हो ऐसी सुगंधी आ रही है। कह दो राधे राधे। और मैंने क्या देखा, वो जितनी लता पता है पूरा दिव्य वृंदावन बन गया, जितनी लता पता है सब सखी सहचरी का रूप धारण करके वहां विराजमान है। और अचानक कानों में एक आवाज आई, छम छम छम। बोले मैं बहुत घबराया, बहुत डरा, बहुत सहम गया, क्या मैं इस स्थूल शरीर से अपनी लाडो को देख पाऊंगा? आवाज और करीब आती गई, छम छम छम। फिर मानो पास आकर कोई रुक गया और बहुत तेज एक आवाज आई सूंघने की, फिर दूसरी बार। मैं डर गया, इतने में कानों में आवाज पड़ी, लालजू लगता है आज हमारे इस आनंद में किसी मानव की गंध आ रही है, कोई ना कोई आ गया इस लीला में, कैसे आ गया लेकिन कोई ना कोई मानव की गंध आ रही है। कह दो राधे राधे। श्री जी और पास आए, छम छम, पायल की आवाज बढ़ने लगी,
लाल जी ने कहा, लाडली जिसकी गंध स्वयं आपने अपने अंदर धारण कर ली वो मानव रहा ही कहां। उसको तो आपने अपने अंदर ही समा लिया है। लाल जी के आग्रह करने पर बोले, उसके बाद जो लीला हुई वो मैं बता नहीं सकता, तुम सब जानते हो। उसके बाद जो लीला हुई ये सुनने के बाद दो दिन हम इसी चिंतन में रहे। ऐसे संत जो अपनी जान हथेली पर रख के सेवा कुंड में रात बिता दी केवल श्री जी को खोजने के। केवल श्री जी को खोजने के लिए कितना भजन। उनमें से श्री जी को मानव की गंध आई, ठाकुर जी ने समझाया कि जिनकी और हम में से तो कितनी दुर्गंध है पापों की। हमारे अंदर कितने पापों की दुर्गंध है। क्या हम लाडली के समीप जाने लायक है? इसीलिए दिन रात ये संत बैठे बैठे बोलते कि माला करो, भजन करो। बाबा ने मुझे, बाबा मैं आपके सामने कह रही हूँ, मेरी बात का लोग बुरा मान जाते हैं, बाबा ने मुझे आदेश दिया है कि कोई भजन करे तो उससे संबंध रखना, वरना कह देना मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है। कह दो राधे राधे, राधे राधे। भजन करना हो तो हमारे सामने आना, राधा राधा रट, वरना सामने से रट। तो प्यारे अभी कितने जन्म लगना है पता नहीं, लेकिन हाँ ये नहीं पता कितने जन्म हमारे प्रयास में लगे, पर ये भी नहीं पता श्री जी की अहेतु की कृपा अगले ही पल हो जाए। हम पता नहीं कब पहुंचेंगे वहां तक, लेकिन श्री जी की कृपा का अगले पल का नहीं पता है। अहेतु की कृपा कब किस पे कैसे करते ये कुछ नहीं, आज तक कोई जवाब नहीं है इसका। लेकिन प्यारे पहले खोजो तो सही, तभी तो पाओगे। अभी तो तुम खोज ही नहीं रहे हो, इसीलिए दोनों हाथ उठा के श्री जी के बरसाने में हो। जहां गुलाब खान ने राधा राधा किया तो गुलाब सखी हो गई है ना, जहां किशोरी किशोरी करते अली किशोरी हो गई, श्री जी ने सिर पे हाथ रख दिया, उस बरसाने में है। इसलिए दोनों